साथियों, इस भवन के इतिहास से बिहार की वो चेतना जुड़ी है जिसने गुलामी के कालखंड में भी अपने जनतांत्रिक मूल्यों को समाप्त नहीं होने दिया। इसके निर्माण के साथ और उसके बाद जो घटनाक्रम जुड़ा हुआ है वो हमें बार बार याद करना चाहिए। किस तरह श्री कृष्ण सिंह जी ने, श्री बाबू ने अंग्रेजों के सामने शर्त रखी थी कि वो सरकार तभी बनाएंगे जब ब्रिटिश हुकूमत निर्वाचित सरकार के कामकाज में दखल नहीं देगा। कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहमति के बिना देश को झोंकने के खिलाफ श्री बाबूजी ने, सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। और बिहार का हर व्यक्ति इस बात के लिए गर्व कर सकता है। इस घटनाक्रम ने सदैव इस संदेश का संचार किया कि बिहार लोकतंत्र के खिलाफ कभी कुछ स्वीकार नहीं कर सकता। और भाइयों और बहनों, हम सभी ने देखा है कि कैसे आजादी के बाद भी बिहार अपनी लोकतांत्रिक निष्ठा को लेकर उतना ही अड़ी, उतना ही प्रतिबद्ध रहा। बिहार ने आजाद भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहला राष्ट्रपति दिया। लोकनायक जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, अनेक भी जैसे नेतृत्व इस धरती पर हुए। जब देश में संविधान को कुचलने का प्रयास हुआ तो भी उसके खिलाफ बिहार ने सबसे आगे आकर विरोध का बिगुल फूंका। आपातकाल के उस स्याह दौर में बिहार की धरती ने दिखा दिया कि भारत में लोकतंत्र को दबाने की कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और इसलिए मैं मानता हूं कि बिहार जितना समृद्ध होगा, भारत की लोकतांत्रिक शक्ति भी उतनी ही मजबूत होगी। बिहार जितना सशक्त होगा, भारत भी उतना ही सामर्थ्यवान होगा।